तो स्टार्ट करते हैं बेटा पार्ट नंबर थर्ड। वित्तीय प्रबंध हम पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर वन मैंने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट नंबर टू भी कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट नंबर थर्ड है। और जो पार्ट नंबर फोर है ना बेटा, वो और भी छोटा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसी पार्ट में इसको खत्म कर सकता हूँ, बट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम एक काम करेंगे, जो पार्ट नंबर फोर है उसको भी बना लेंगे, बिल्कुल छोटी सी होगी, ज्यादा कुछ होगा नहीं उसमें, ठीक है ना। तो पहले पार्ट नंबर थर्ड को खत्म कर लेते हैं, काफी आसान सा है ये वाला पोर्शन बेटा। देखो पूंजी ढांचे, जो हमने पार्ट नंबर सेकंड पढ़ा था ना, उसमें मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी ढांचे के बारे में बताया था, ठीक है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, यानी पूंजी जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी ऋण पूंजी होनी चाहिए, कितनी समता अंश पूंजी होनी चाहिए, कितनी उसमें पूर्वाधिकार जो अंश पूंजी होनी चाहिए, तो क्या मतलब कैसे वो ढांचा तैयार करोगे, किसमें कितना कितना सब कुछ रखोगे, वो उनको उसके चयन को प्रभावित करने वाले घटक पढ़ने वाले कि उस पूंजी ढांचे में क्या क्या आने वाला है। तो उसके चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं बेटे, ये सारे घटक है, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट हम इतने ही पढ़ेंगे। जैसे पहला रोकड़ प्रवाह की स्थिति, ठीक है, मैंने इंपोर्टेंट भी लिखा हुआ है, रोकड़ प्रवाह की स्थिति यानी वही कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कितना आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, यानी कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, इस पे भी आपका पूंजी ढांचा क्या करता है, निर्भर करता है, याद रखना। नंबर दो, कर, कर यानी टैक्स, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर जगह आपको देखने को मिल जाती है, जैसे उसमें कर है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अनुसार कर ज्यादा है आपके ऊपर या कम है, तो उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो ऋण पूंजी होती है वो क्या करती है, आपको कर लाभ देती है बेटा। ऋण पूंजी के ऊपर जो ब्याज होता है ना, वो कंपनी को कर लाभ देता है, जबकि जो लाभांश होता है उसके ऊपर कर लाभ नहीं मिलता। ये सब चीजें ध्यान देना होता है जब हम पूंजी ढांचे के चयन को कर रहे होते हैं, पूंजी ढांचे में क्या क्या चीजें आएगी उसको ध्यान दे रहे होते हैं। तो पहला मैंने कहा रोकड़ प्रवाह की स्थिति, और दूसरा मैंने बोला कर, तीसरा मैंने बोला निर्गमन लागतें। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको पार्ट नंबर वन में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि निर्गमन लागतें वो लागतें होती है, शायद पार्ट नंबर वन में था, निर्गमन लागतें वो लागतें होती है जब आप किसी सिक्योरिटी को, किसी प्रतिभूति को, जैसे समता अंश पूंजी, ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, कोई भी चीज को अगर आप लाते हो यानी इशू करते हो, कोई भी चीज को अगर आप जारी करते हो, तो उस वक्त जो भी खर्चा लगता है, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज बताया था ना, ठीक है ना, और जैसे स्टेशनरी का खर्चा, तो जब भी आप कोई चीज, कोई प्रतिभूति यानी जो सिक्योरिटी यानी जैसे समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, कोई भी चीज आप बोलो, उनको जब जारी करते हो तो उस टाइम पे जो लागतें लगती है उसको निर्गमन लागतें कहते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देने वाला पॉइंट है जब आप क्या कर रहे हो, पूंजी ढांचे का चयन कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसके पॉइंट लगभग लगभग वही वाले हैं जो आपने वहां पढ़े थे, जो वित्त व्यवस्था के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, याद है, वित्त व्यवस्था वाले निर्णय का वही है लगभग, वही है लगभग कुछ कुछ, ठीक है ना। तो पहला रोकड़ प्रवाह की स्थिति, दूसरा कर, तीसरा निर्गमन लागते, तीन पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या है, ब्याज आवरण अनुपात, जिसको हम बोलते हैं आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, चाहे तो आप लिख लो वहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है ना। ये होता क्या, ये होता बेटा ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे इनको मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, बहुत बच्चे के दिमाग में रहता है बेटा। देखो जो पॉइंट आसान होते हैं ना उनको मैं बता रहा हूं, आप ऐसे लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट अगर आप लिख लेते हो उसके अंदर बना के आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हो। और वैसे भी मैंने कर तो कोई भी बच्चा लिख सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है यही है, ठीक है ना, क्योंकि आप अकाउंट्स वाले बच्चे हो, सबको पता होता है इनके बारे में। उसके बाद अगर नहीं भी पता तो अभी आपने थर्ड बुक करनी है मैंने कहा था, तो उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगी, कुछ कुछ चीजें, ठीक है ना, जैसे ये 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 सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो खासकर ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला देखो ब्याज आवरण अनुपात जो है, ठीक है ना, इसमें ईबीआईटी मैंने अभी पार्ट टू में आपको पढ़ाया था ईबीआईटी क्या होता है, ठीक है, जिसको मैंने कहा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट मतलब ब्याज और टैक्स मतलब कर। तो ब्याज और कर से पहले वाला, पहले वाली अर्निंग, पहले वाली प्राप्तियां, तो ये वो प्राप्ति होती है जो किससे, जिसमें से अभी ना तो ब्याज घटा है ना ही कर घटा है, बताया था ना। तो उसको अगर मैं ब्याज से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाता है, निकल के आता है ब्याज आवरण अनुपात आता है। तो इसको भी ध्यान में दिया जाता है जब आप पूंजी ढांचे को चयन कर रहे होते हैं। देन उसके बाद विनियोग पर आए, विनियोग मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, है ना, तो इन्वेस्टमेंट पर आए, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और भी नाम होते हैं बट आप इतने समझ लो भी खाली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कैसे निकलता है, वही कौन सी आय, जो कर और
ब्याज को घटाने से पहले वाली जो आपकी जो आय होती है उसको किससे डिवाइड कर दो, टोटल इन्वेस्टमेंट से कर लो डिवाइड, यानी कुल विनियोग या कुल निवेश से डिवाइड कर दो। क्लियर है। कैपिटल एम्प्लॉयड नाम का एक वर्ड भी होता है बट वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, अकाउंट्स में ही ध्यान देंगे यहाँ पे, नहीं सिर्फ सिंपल सिंपल पॉइंट है वो याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे समता अंश पूंजी की लागत, यानी जब आप समता अंश पूंजी को जारी करोगे यानी इशू करोगे तो क्या लागत आएगी वो भी ध्यान देना है। ऐसे ऋण पूंजी को जारी करोगे तो क्या लागत आएगी डिबेंचर पे, है ना। नियंत्रण, अगर आप चाहते हो कि आप ना नियंत्रण को बढ़ाना चाहते हो तो इक्विटी शेयर कर ले, यानी समता अंश पूंजी को जारी करो, और अगर आप नियंत्रण को बढ़ावा नहीं देना चाहते, उसको बढ़ाना नहीं चाहते तो आप ऋण पूंजी को बढ़ाओ। समझ आ गया। उसके बाद स्टॉक बाजार की स्थितियां, यानी जो जो स्टॉक मार्केट है जहां पे शेयर वेयर में डील किया जाता है ना, वहां पे आपको उसकी स्थिति को देखना कि वो बढ़ रहा है घट रहा है क्या है, तो वो भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है जब आप पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित चयन करते हो, ठीक है ना। जोखिम विचार, आप रिस्क लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपको किस पे जाना चाहिए ऋण पूंजी पे, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप समता अंश पूंजी पे जा सकते हो, तो ये पॉइंट भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऋण पूंजी होती है वो सस्ती होती है मगर जोखिम वाली होती है, बताया था ना मैंने, सस्ती होती है मगर क्या होती है जोखिम वाली होती है, और वहीं पे समता अंश पूंजी होती है वो महंगी होती है मगर उसमें जोखिम कम होता है। क्लियर। चलो उसके अलावा लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसी कौन सी पूंजी है जिसको कभी भी आप कम कर सकते हो कभी भी आप बढ़ा सकते हो, तो वो भी आपको ध्यान में देना है। देखो समता अंश पूंजी को ना, तो जब तक कंपनी जिंदा है जब तक कंपनी चल रही है खत्म नहीं हो जाती तब तक तो बेटा उसको वापस करने वाली बातें आती नहीं है समता अंश पूंजी के इसमें, इसका मतलब वो तो परमानेंट है, उसमें लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपकी ऐसी कौन सी पूंजी बची जिसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे ऋण पूंजी हो गया है ना, पूर्वाधिकार अंश पूंजी हो गया, इनको आप कम ज्यादा कर सकते हो कभी भी, शुभ जब मन कर रहा जारी कर लो पैसा ले लो, जब मन कर रहा हटा दो उनको पैसा देके निपटा दो, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो यानी लोचशीलता, अगर आपको लोचशीलता चाहिए यानी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो किसमें डील करो, ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी, लिख लो उसके अंदर थोड़ा सा कि लोचशीलता, अगर कंपनी को आपको लोचशीलता चाहिए यानी कंपनी को अगर लोचशीलता चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसको ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी में की तरफ जाना चाहिए, बट अगर उसको लोचशीलता नहीं चाहिए तो उसको समता अंश पूंजी की तरफ जाना चाहिए। लिख लो बेटा लिख लो साथ साथ में, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें अन्य कंपनियों का पूंजी ढांचा, और जब आप अपने पूंजी ढांचे का चयन कर रहे हो तो दूसरी कंपनियों का भी देख लो जो तुम्हारी तरह है। अगर मान लो मैं एयरटेल कंपनी हूं तो मैं जियो की भी पूंजी ढांचा देखूंगा कि वो क्या क्या कर रहा है ना। अगर मैं पेप्सी वाला हूं तो मैं कोका कोला का भी पूंजी ढांचा देखूंगा। समझ में आ रही ना। तो कौन कौन से पॉइंट है, रोकड़ प्रवाह की स्थिति, नंबर दो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं ब्याज आवरण भुगतान और अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात, तीसरा कर, चौथा निर्गमन लागते, पांचवा विनियोग पर आय, छठा समता अंश पूंजी की लागत, सातवां ऋण पूंजी की लागत, आठवां नियंत्रण, नौवां स्टॉक बाजार की स्थितियां, दसवां जोखिम विचार, ग्यारहवां लोचशीलता, और बारहवां अन्य कंपनियों का पूंजी ढांचा। क्लियर हो गया यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी क्या होती है बेटा। स्थायी मतलब होता है फिक्स, और कार्यशील मतलब होता है वर्किंग, वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल की बात। तो स्थायी पूंजी से अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट है। जब आप लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटी उसमें संपत्तियों में पैसा लगाते हैं, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, संपत्ति मतलब एसेट्स, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर पैसा लगा रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्थायी पूंजी कहलाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है स्थायी संपत्ति क्या है, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ये था फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या हुआ, यानी स्थायी पूंजी से अभिप्राय दीर्घकालीन संपत्तियों में, यानी जो लॉन्ग टर्म की जो एसेट्स होती है उसमें क्या करना, विनियोग करने से। जबकि स्थायी संपत्ति से अभिप्राय उन संपत्तियों से जिनकी आवश्यकता व्यवसाय में एक वर्ष से ज्यादा के लिए होती है। तो स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो एक साल से ज्यादा के लिए होती है, ठीक है ना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आदि, कोई दिक्कत है नहीं इनमें, ठीक है ना। चलो फिर आता है पट्टेदारी क्या होता है यानी लीजिंग। पट्टेदारी मतलब क्या होता है, लीजिंग यानी लीज की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, तो इससे अभिप्राय उस समझौते से, ये कैसा समझौता है जिसके अंतर्गत संपत्ति का स्वामी, यानी जैसे मान लो मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, ठीक है ना, अपनी संपत्ति के प्रयोग का, यानी मैं इस कमरे के मान लो प्रयोग का या फिर इस वाले फ्लोर के प्रयोग का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा हूं, बट कैसे, निश्चित
प्रतिफल के बदले में, निश्चित प्रतिफल का मतलब मैं उसके बदले रेंट लूंगा भाई, अगर मैं इस फ्लोर को अगर दूंगा आपको तो मैं रेंट दूंगा, उसको बोलते हैं लीज रेंट, यानी जो पट्टा किराया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पट्टा किराया। तो इससे अभिप्राय उस समझौते से है जिसके अंतर्गत संपत्ति का जो स्वामी है वो अपनी संपत्ति के प्रयोग का अधिकार किसी दूसरे को दे देता है और बोलता तो उसको यूज कर सकता है, बस उसके बदले मुझे निश्चित प्रतिफल दे दियो, यानी रेंट दे दियो, किराया दे दियो, जिसको मैं लीज रेंट यानी पट्टा किराया बोलूंगा वो दे दियो, ठीक है ना। और पट्टे की जैसे अविदा, यानी जैसे रेंट तूने कहा था मुझे, तुमने कहा था मान लो मुझे दो साल के लिए रेंट पे चाहिए, तो मैं दो साल के लिए रेंट पे दे दिया आपको, और जैसे ही आपके पट्टे की अवधि मतलब जो लीज पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद वो संपत्ति के जो संपत्ति है वो स्वामी को क्या करनी पड़ेगी, वापस, यानी जो बंदा यहाँ पे रह रहा था उसको प्रॉपर्टी मुझे वापस करनी पड़ेगी, जगह मुझे वापस करनी पड़ेगी जैसे ही टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे, या कभी कभी एक और बेनिफिट मिल जाता है, मैं ऑनर था तो मैं उसको बोल सकता हूँ तुझे खरीदने तो बता दे, ठीक है, यानी दो साल कंप्लीट होने के बाद मैं उसको ये बोल सकता हूँ तुझे खरीदने है तो बता दे, या फिर पुनः दोबारा से अगर तुझे रेंट पे लेना है, पट्टे पर लेना है, तो उसका विकल्प भी मैं तुझे दे रहा हूँ, बता क्या करना है, खरीदना चाहता है, दोबारा रेंट पे लेना चाहता है, या फिर खाली करना चाहता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। इसको भी हमने डीप में नहीं पढ़ा बेटा, जितना बुक में उतना ही पढ़ा है, उससे ज्यादा डीप नहीं गए, ठीक है, बोले और भी डीप है जिसमें फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीज बहुत सारी चीज पढ़नी पड़ती है, वो हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जितना बुक में उतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उससे हो सकता है एक आध चीज ऊपर कर दूं, बट ज्यादा भी ऊपर नहीं कर रही ना, फालतू को पढ़ा के फायदा नहीं है अभी। तो स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी से अभिप्राय जो दीर्घकालीन संपत्ति है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, उसमें विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट से। स्थायी संपत्ति से अभिप्राय वो संपत्ति होती है जो व्यवसाय में एक साल से ज्यादा के लिए होती है, ठीक है ना, पट्टेदारी, ये मैंने बताई दिया आपको। अब आते हैं स्थायी पूंजी की आवश्यकता को, यानी कि मुझे फिक्स कैपिटल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक तत्व या घटक कौन कौन से हैं। तो पहला घटक जो है जो प्रभावित करता है कि मुझे कितनी आवश्यकता है, तो पहला व्यवसाय की प्रकृति। तो देखो मैंने इसमें शॉर्टकट में लिखा है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप उसको बना के भी लिख दोगे, इतना आसान करा है, यानी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक से समझ के देखो आप खुद ही लिख लोगे। व्यवसाय की प्रकृति आप देखना, इसके अंतर्गत अगर व्यवसाय आपका निर्माणी व्यवसाय है, निर्माणी मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला व्यवसाय है तो उसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, मगर अगर आपका व्यवसाय व्यापारिक व्यवसाय है तो आपकी आपके यहाँ जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, कम होती है। कैसे, वो भी समझा देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि सारे गुड्स उड्स मैं खुद से बनाऊंगा तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी, बात को समझो, मुझे मशीनें चाहिए होगी, प्लांट चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, तब जाके मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका मतलब मुझे पैसा भी क्या चाहिए होगा, ज्यादा, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए क्योंकि जमीन पर मशीन ये सब एक साल से ज्यादा के लिए होती है, ठीक है ना। वहीं पे व्यापारिक व्यवसाय क्या होता है, जो ट्रेडिंग में काम करता है, सिंपल ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, मतलब बेचना खरीदना बस इतना ही है, उसको बनाना काम नहीं है उसका, सिर्फ बेचना खरीदना है। तो ऐसे केस में क्या है, मुझे ज्यादा प्लांट मशीनरी इन सब की जरूरत पड़ती नहीं है, तो इसलिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी क्या होती है, कम हो जाती है। पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर टू, क्रियाओं का पैमाना। तो इसके अंतर्गत अगर व्यवसाय क्रियाओं का जो पैमाना है वो बड़ा है, यानी व्यवसाय क्रियाओं का फैलाव जो है वो अधिक है, तो पैसा भी अधिक चाहिए। बट अगर व्यवसाय क्रियाओं का फैलाव जो है वो कम है तो उसका मतलब पैसा भी क्या चाहिए, कम चाहिए। यानी आपको जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, आप कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, अगर आप बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हो तो पैसा भी ज्यादा लगाओ, और अगर आप बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो पैसा भी क्या लगाओ, कम लगाओ, सीधी बात है, स्थायी पूंजी लगानी है आपने, ठीक है ना। आगे, तकनीक का चयन। तकनीक मतलब टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पूंजी प्रधान तकनीक अपनाते हो तो उसके अंतर्गत अगर आप पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करते, पूंजी प्रधान तकनीक वो तकनीक होती थी, याद होगा आपको, 11 का पढ़ा हुआ आपने, ये वो तकनीक होती थी जिसमें पूंजी का उपयोग ज्यादा होता है, किससे, श्रम से, यानी पैसों का उपयोग, मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है। तो अगर पूंजी प्रधान तकनीक करोगे तो भाई मशीनें पैसे लगाने पड़ेंगे तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। वहीं पे श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक होती थी जहां पे श्रम का उपयोग यानी लेबर का उपयोग ज्यादा होता था, किससे, पूंजी से। तो अब जहां पे मशीन की जरूरत है नहीं, हाथों से काम चल जाएगा, श्रम यानी लेबर से काम चल जाएगा, तो पैसा भी क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आ रही ना बातें, तो उनको बना के लिखा जा सकता बड़े प्यार से। आगे, तकनीकी नवीनता। अब नवीन तकनीक आप अपनाते हो, आप बार बार, आप जैसे जैसे नई नई तकनीक आती है आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, आपको चाहिए। आप जैसे मान लो आपका जो बिजनेस है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर वम्प्यूटर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में अगर भाई कंप्यूटर लैपटॉप वाला काम है आपका, तो नई नई तकनीक आती है तो आपको नई नई तकनीक तो लेनी पड़ेगी बेटा। जब नई नई तकनीक लोगे तो पैसा भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। पर वहीं पे अगर आप पुरानी तकनीक वाले हो, एक ही तकनीक पे काम करो, चाहे सारा कुछ हो या कुछ भी हो, तो फिर पैसा क्या लगता है, कम लगता है। समझ आ गया ना। तो बनाने का तरीका क्या है, कोई भी एक पॉइंट जैसे मान लो मुझे लिखना है, मान लो ये वाला लिखना है, तो मैं कर लूंगा, चलो ये वाला पकड़ लेते हैं। तो मतलब इसके अंतर्गत अगर व्यवसाय
तकनीक के ऊपर ज्यादा निर्भर है और वो नई नई तकनीकों को अपना रहा है, तो उसको क्या है स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक लगेगी। बट अगर वो क्या है पुरानी तकनीक पे नई पुरानी तकनीक को अपनाता है, नई तकनीक नहीं ले रहा है, पुराने से काम चल जाता है उसका, तो फिर जो आपकी स्थायी पूंजी की आवश्यकता उसको क्या होगी कम होगी। सिंपल है बनाना, वेरी गुड। विविधीकरण, विविधीकरण का इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी फैलाव बोल दो या विविधता कह लो अनेक तरह से, तो उसका मतलब होता है हिंदी में लिखवा रखा डेफिनेशन, एक एक के स्थान पर अनेक उत्पादों में व्यवसाय करना। अगर आप एक उत्पाद बनाते हो तो वो विविधीकरण नहीं है, आप एक से ज्यादा उत्पादों में डील करते हो तो वो विविधीकरण है, ठीक है ना। तो एक के स्थान पर अनेक अनेक उत्पादों में क्या करना, व्यवसाय करना। अब विविधीकरण, अगर आप बहुत सारे उत्पादों में व्यवसाय कर रहे हो तो बहुत सारी जमीनें, बहुत सारे मशीनरी, प्लांट, ये सब चीजें होंगे, तो उसका मतलब स्थायी पूंजी क्या चाहिए, ज्यादा। बट अगर विविधीकरण नहीं, आप एक आधी प्रोडक्ट में डील करते हो तो उसका मतलब पैसा भी क्या, फिर स्थायी पूंजी भी क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आता ना। चलो उसके बाद आता है सहयोग का स्तर। सहयोग का स्तर मतलब होता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। जैसा आपने देखा होगा कि जैसे पंजाब में, हम मान लो हमारे घर बाहर जो है पंजाब नेशनल का मान लो एटीएम नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है ना, एटीएम नहीं है, तो आजकल क्या है बैंकों ने एक फैसिलिटी दे रही है बहुत टाइम से कि आप किसी दूसरे एटीएम से भी क्या निकाल सकते हो, पैसे ले सकते हो। यही फैसिलिटी है हमारे शुरू काफी टाइम है, शुरू से ही चल रही है, एक तरीके से बोलता हूं मैं, कि आप दूसरे एटीएम से भी क्या कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, है ना। तो जब मान लो कि यहाँ पे एसबीआई का एटीएम लगा रहा हूं, वहां मेरे पे पीएनबी का कार्ड है, मैं उससे पैसे निकाल सकता हूँ, तो इससे क्या हुआ कि पीएनबी वाले को यहाँ पे एटीएम लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि एसबीआई वाला पैसे निकालने की परमिशन दे रहा है। इसका मतलब वही है, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को सहयोग कर रही है कि कोई बात नहीं, मिलके काम कर लेंगे, कहीं जहां पे क्या नाम है यहाँ पे एटीएम मान लो एसबीआई के लगे हैं, तो कोई बात नहीं, उसने औरों के साथ भी कोलैबोरेशन कर रखा है, कोई बात नहीं, मेरा एटीएम आप यूज कर सकते हो। और ऐसे ही इसके बदले थोड़े से चार्जेस दे देना, आपको जमीन दुकान लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसी मान लो बहुत सारे एरिया जहां पे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा इसके एटीएम है, तो वो भी उसमें भी कोलैबोरेशन रखा है कि मेरे यहाँ से भी आप पैसे निकाल सकते हो अपने कार्ड से। तो इससे क्या होता है, जब सहयोग मिल जाता है दूसरे का, तो अधिक सहयोग मिलने पर पैसा मुझे क्या कम लगाना पड़ेगा, मुझे हर जगह दुकान जमीन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो सहयोग नहीं मिलता तो फिर मुझे अपना अपना खोलना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में क्या है पैसा ज्यादा लगेगा। भविष्य में विकास की संभावनाएं, यानी अगर मुझे लगता है कि भविष्य में भाई ग्रोथ है, मेरे कंपनी की ग्रोथ है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ मिलेगी मुझे, संभावना है, तो मैं पैसा भी क्या लगाऊंगा आज के टाइम पे, ज्यादा लगाऊंगा, ज्यादा जमीनें खरीदूंगा, मशीनें खरीदूंगा, प्लांट लगाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाऊंगा, कि मुझे पता है फ्यूचर में मेरा और ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। बट अगर संभावना नहीं है तो मैं पैसे लगाऊंगा ही नहीं, भाई सीधी बात है, ठीक है, तो उसमें पैसे क्या लगाएगा, मैं कम लगाऊंगा, ठीक है ना। वित्त व्यवस्था विकल्प, वित्त व्यवस्था विकल्प, मैंने सारे पॉइंट पढ़ाए हैं लगभग इसके, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए हर एक पॉइंट के बारे में, टाइम भी लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना, और शॉर्टकट भी लिखवा दिया ताकि आपको मेन कंटेंट का जो समराइज फॉर्म में पता चल सके। अब बना के तो लिखा ही जा सकता बड़े प्यार से अब तो, ठीक है ना। वित्त व्यवस्था विकल्प मतलब क्या, वित्त के जो पैसा है, वित्त मतलब पैसा हो गया, फाइनेंस हो गया, उसका विकल्प है या नहीं है। जैसे जैसे मान के चलो मुझे मान लो बाहर से पैसा लेना पड़ रहा है, ठीक है ना, अब मैं बाहर से अगर पैसा लेता हूं और मुझे क्या ना फिर उसके बाद मुझे जमीन वमीन खरीदनी है, ये करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे केस में तो भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे जमीनें लेनी पड़ेगी, मुझे क्या नाम है अपने ऑफिस के काम के लिए मुझे जगह जगह क्या नाम है बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी या फिर लेनी पड़ेगी, हो सकता है मशीनें लेनी पड़ेगी, प्लांट लेनी पड़ सकती है, ऐसे बहुत दिक्कतें झेलने को मिल सकता है। बट अगर वहीं पर मान लो वित्त व्यवस्था विकल्प है, विकल्प है मतलब जैसे अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, जैसे लीज वाला हो गया, जैसे मैंने एक कंपूरा ये फ्लोर मान लो आपको किराए पे दे दिया, तो उसका मतलब क्या आपको लाखों करोड़ों क्या इस फ्लैट को मतलब इस वाले ऊपर को एरिया को लेने के लिए क्या खर्च करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ रेंट से काम चल जाएगा। ऐसे मान लो कोई मशीन है, मैं रेंट पर ले लेता हूँ, मुझे खरीदनी नहीं है, क्योंकि खरीदूंगा तो मुझे कम से कम वो मान लो 5 लाख की पड़ रही है, और सिर्फ किराए के हिसाब से 20,000 की पड़ रही है या 10,000 की पड़ रही है महीने किराया, तो वो ज्यादा सही है। तो अगर आपको विकल्प मिल जाते हैं कि जिसमें आपको खरीदना नहीं पड़ रहा, आपको कोई तरीके से मिल जाता है, पट्टेदारी इसका एग्जाम्पल है, पट्टेदारी की यानी पट्टेदारी है, लीज वीज वाइज आपका बेनिफिट आपको मिल रहा है, लीज का बेनिफिट ऐसे, तो विकल्प है, तो आपको फिर पैसा कम लगाना पड़ता है, आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा कम लगेगा। पर अगर विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, आपको जमीन लेनी ही पड़ेगी, तो ऐसे केस में क्या होता है आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। समझेगा भाई, इतना ही था, देखो मैंने इससे ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, इतना ही था, पार्ट नंबर थर्ड खत्म हो गया, और मिलेंगे पार्ट नंबर फोर में, जहां तक आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। प्लीज हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करा करो,
ठीक है ना, और ताकि ना ये कि चैनल आगे बच्चों तक जा सके, ठीक है। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश सब कुछ खत्म करवाने की, बाकी ये रहा कोई चीज रह जाए, कुछ आपको लगे कि भाई मैंने कम पढ़ाया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। लास्ट में जाकर जब बुक खत्म हो जाएगी ना, होने वाली वैसे भी, तो उसके बाद हम उसको भी उठा लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू दोस्तों।